हम शहर से बाहर चलेंगे। जी जी, आप असल में समझने की कोशिश तो करें। मेरा मतलब था हम आपस में अपने बारे में बहुत सी बातें करेंगे। जी हाँ जी, सुराख रसानी से कौन कौन क्या रसानी जी? सुराख रसानी नहीं नहीं, देखिए आप टालमटोल करने की कोशिश करें प्लीज। आप कमल मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी आंखें जो है इसका माफ कीजिएगा कमल, वो सारे बच्चे आ गए हैं, आप चलिए प्लीज आइए। देखिए वो बच्चे आ गए थे मेरी वजह से, गलत फहमी में, एक्सक्यूज मी, बाय। चलिए जाते में जो भी इंसल्ट हुई पार्टी में सारी। जबर से क्या बातें हो रही थी? बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, मेरी बड़ी तारीफ कर रहा था, कहता आपकी आंखें यूं, नाक यूं, कान यूं। वो आपसे ये बातें कर रहा है? सुनिए खूबसूरत हूँ चाची, तो कहा करती थी कि सारा उस मशरक में बेकार है उनके आगे। मैं कहता हूँ ये वो आपसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? सुनिए अहमद साहब, यह शहर से बाहर कौन सी जगह? जफर कह रहे थे कि मैं और वो घूमने जाएंगे वहाँ। जी जी, उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? अरे अरे, तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कोई आपके मुताबिक थोड़ी कुछ कह रहा था वो। चलिए माफ, आइए ना। माफ कीजिए, आज किसकी आवाज आए, दीदार का दिन आ गया, यानी किस लिए सामान्य महफिल आपकी महफिल में है? पंद्रह प्लेटें नहीं है, सत्रह प्यालियां टूट गई, नौ गिलास गायब हैं। क्या गायब है? कौन? और आपको जफर भाई बुला रहे हैं बाहर। ये जफर भाई इस वक्त मुझसे क्यों? अरे आपको नहीं। अच्छा तुम लोगों को पकड़ कब आएगी? आपको बुला रहे हैं, आपको मुझे? हाँ तो बाहर खड़े हैं, तुम्हें तमीज कब आएगी? अंदर बुलाना। जी मैंने तो क्या था उनसे, कहने लगे कि वो बाहर ही भेज दो तुम। अच्छा अच्छा चली जाओ ना जी, बेचारा बाहर खड़ा होगा। जाओ ना शाबाश, कम ऑन डियर, कम ऑन। क्या कोई चीज भूल गए? जी बहुत कीमती चीज। ओहो तो कीमती चीजें संभाल के रखा करें, अब पता नहीं कहाँ होगी। जी बहुत कोशिश करता हूँ संभाल के रखने की, लेकिन नामालूम क्या वजह है कि काबू में नहीं रहती। अच्छा। दरअसल मैं रास्ते भर यही प्रोग्राम बनाता आया था कि कहीं, मेरा मतलब है कहीं सोच रहा था खुदा ना खास्ता आप कहीं सो ना गई हूँ। क्या जी? वो मेरा आपसे क्या ताल्लुक? जी ताल्लुक तो कुछ नहीं है, मैं चाह रहा था कि थोड़ी देर जरा बाग में टहलते। तो क्या बाग में टहलते? होशों में है आप अपने? इस वक्त इतने ढेर सारे मच्छर होते हैं और इतने बड़े बड़े सांप, आए हैं बाग की सैर को करने। कमल दरअसल मैं अपने आप को यकीन दिलाना चाह रहा था कि आज मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा है। है? जी दिन में ख्वाब देखते हैं आप? जी वो दरअसल बड़ों का कहना है कि दिन में ख्वाब देखने से ताबीर बहुत अच्छी होती है, तो मैंने सोचा कि आज दिन में ही ख्वाब देख लूं। अच्छा अच्छा, मैं भी ट्राई करूंगी। वो ट्राई तो खैर आप बाद में कीजिएगा, कुछ अर्ज करना चाह रहा था मैं आपसे। वो ये कि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। जी आप मुझे पसंद करने लगे? जी जी। सफर साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पानी वानी का इंतजाम मैं करवाती हूँ, हैं बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी जी वो आप बताइए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे मेरी मंजिल मेरे सामने आ गई हो। जहाँ इतनी रात के सामने आ गई, दिक्कत नहीं हुई होगी उसे? जी किसको? जी मंजिल को। पता नहीं जी दिक्कत हुई या नहीं हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि आज सारी रात मैं सो नहीं सकूंगा। नहीं नहीं जफर साहब, इससे तो सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आप ऐसा करें, विलियम फाइव की एक गोली खा लें, नींद सब आ जाएगी। वैसे भी आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेरे ख्याल में आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी वो नॉर्मल नहीं है। जी आप सही फरमा रही हैं, मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा साथ देंगी? डॉक्टर के जाने में? जी नहीं जफर साहब, मैं जरूर चलती, मगर आप यकीन करें मैं तो नई नई आई हूँ ना, मैं यहाँ की डॉक्टर्स को नहीं जानती। दरअसल मम्मी ने बताया था कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है। है? जी क्या नहीं हुई है? एंगेजमेंट नहीं हुई है? जी दरअसल कह दिया मम्मी को भी आप बहुत पसंद आई थी, जब हमें पता चला कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है तो। नहीं हुई है, नहीं हुई है, हो गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मम्मी ने आपकी आंटी से मालूम किया था कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई। कल? जी हाँ कल। कल थोड़ी हुई है जी।
कर ली है। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि आज हुई है, आज सुबह में। आज सुबह में? जी हाँ। आप मजाक कर रही हैं। मेरा आपका मजाक का क्या रिश्ता है जो मैं आपसे मजाक करूंगी? आज सुबह हुई है, सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। जी बहुत पसंद है। किसके साथ हुई है? आप कोई मास्टर है? आपके हर सवाल का मैं जवाब देती रहूं? मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती, किसी के साथ भी हुई है। बहरहाल आपके साथ नहीं हुई। ठीक है, मैं समझ गया। अमर के सिवा और कौन हो सकता है? क्या 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 क्या? जी हाँ, वही तो आपके घर में रहता है, उसके अलावा और हो कौन सकता है? मैं यही सोच रहा था कि आखिर वजह क्या है जो आप मेरे साथ जाना नहीं चाह रही बाहर। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया, मैंने आपका बहुत कीमती वक्त जाया किया। वो तो आप जाया कर ही दिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे वो शीशी ले ली है गोलियों की, लेते जाइएगा, बवक्त जरूरत काम आएगी। कैसे कैसे लोग आ जाते, मंगनी नहीं हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई? मौसम तो काफी अच्छा है बेचारे। मौसम से आप बाद में लुत्फ अंदोज हो लीजिएगा, भाभी और भैया ऊपर चले गए, आप अंदर जाके बात करो। अहमद साहब वो बेचारे तो चले गए। गए इतनी जल्दी चले गए? हाँ। कहिए तो बुला लाऊं? अरे नहीं, आपको जहमत होगी, छोड़े। नहीं, मुझे तो कोई जहमत नहीं होगी, मगर मेरे ख्याल में वो किसी शायद दूसरी डेट पर गए। अरे वाह, बड़ी वाकफियत है, उनके प्रोग्राम से बात क्या है? मुझे कोई जरूरत नहीं उनके प्रोग्राम मालूम करने की, वैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मुझे दखल देने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि वो नहायत ही फ्लर्ट आदमी है। अरे वाकई? जी। बड़ी नई बात बताई। और दूसरी बात ये कि आपके माहौल में और इस माहौल में जमीन आसमान का फर्क है, समझिए आप। यहाँ पर इस तरह से फ्री होकर लड़कों से बात करना बुरा समझा जाता है। अजी रहने दें अहमद साहब, बहुत देख लिए मैंने लड़कियों और लड़के और आपका माहौल। ठीक है, जो आप क्या करें मैं कोई दखल नहीं देता। क्या मतलब क्या है? आप लड़की हैं, मैं लड़की, सब मैं आपसे बात ना करूं? आप मुझसे बात करें या ना करें मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि इस कदर फजूल कस्म के लोग जो है ना वो आके आपसे फ्लर्ट करें। अच्छे लोग फ्लर्ट करें तो आप खुश रहेंगे? मेरी भला साहब, जो जाए कीजिए। अरे मतलब क्या आपका, आखिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? इसलिए डांट रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानती हैं, आप बिल्कुल अहमक हैं। मिस्टर अहमर अहमक होंगे आप, मुझे आज तक किसी ने ऐसे अल्फाज नहीं कहा होगा। आप कह रहे हैं ठीक है, नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ। मेरे डैडी कहा करते थे? अरे छोड़िए आप अपने डैडी को, क्या यही मशरूकियत है? तो कहाँ है मशरूकियत, आप बता दी मुझे, बड़ा दावा कर रहे हैं। मैंने कोई ठेका ले रखा हर चीज बताने का? ठीक है, आप बता भी कहा सकते हैं, मशरूकियत हो तो आप उसके बारे में बताएं। देख लिया मैंने आपका माहौल, आपकी लड़कियों और लड़के, किसी एक को अपनी जबान तक तो ढंग से बोलनी आती नहीं है। चले मशरूकियत के दावेदार, आज तो कैसे कैसे लोगों से निपटूं। वो आए थे, ये आए, मूड बिल्कुल सत्यानाश। मकसद है कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने अभी तक आपसे जो कुछ भी कहा मुझे कहने का कोई हक नहीं था। मैं शर्मिंदा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप हमारी मेहमान हैं। बहरहाल मैं आपसे अपने रवैये की माजरत चाहता हूँ, अगर आप हमारे मुतालिक जरा भी कुछ जानती है तो आपको इतना जरूर मालूम होगा कि हम लोग महज रस्म माजरत नहीं करते, दिल से करते हैं। इट्स ऑल राइट। बहरहाल मैं ये आपके लिए लाया था, पसंद तो रख लीजिए वरना फेंक दीजिएगा।
यू। हमारी तरफ ईद का सलाम करते हैं। हैप्पी ईद। ईद मुबारक।